नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्लान लेके आए। काफी लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि सर, हम हमारे घर के आगे छज्जा निकालना चाहते हैं, जिसके नीचे पोर्च बनाना चाहते हैं। वास्तु अनुरूप ऐसा नक्शा दीजिए कि आगे हमारी गाड़ी भी खड़ी हो जाए और घर का लुक भी बहुत शानदार कोठी नुमा आए। तो आज का मित्रों ये प्लान 30x40 का है, जिसके अंदर आपका घर बनेगा और आगे की तरफ आपका छज्जा निकलेगा। कैसे घर बनेगा, वास्तु अनुरूप कैसे बनाना है जानेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आप अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई घर बनाने में लगा लेते हैं। बहुत से लोग लोन लेके बनाते हैं, इधर उधर से पैसे करते हैं और बहुत मुश्किल से घर बनता है। लेकिन वो गलती ये करते हैं कि बिना वास्तु घर बना लेते हैं और फिर उस घर के अंदर एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है मित्रों, आपको अपना घर वास्तु अनुरूप बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, 30 फीट हमने यहां ली, 30 फीट ऐसे 40 40 ठीक है। आगे की तरफ अपना फ्रंट ओपन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिशा देखनी है आपका घर कौन सा है। तो ये प्लान कौन से दिशा का है, पूर्व मुखी। पूर्व दिशा मतलब ईस्ट फेसिंग। पूर्व दिशा कौन सी होती है, जिस तरफ भगवान सूर्यदेव उदय होते वो दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। अगर आपको कंफर्म करना है आपका घर ईस्ट फेसिंग है या नहीं है, तो आपको कंपास की सहायता से दिशा देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, घर के बाहर की तरफ ये पोर्च निकलेगा, यहां पर दो बड़े बड़े पिलर लग जाएंगे, जिससे आपके घर का आगे से लुक बहुत ही शानदार कोठी जैसा आएगा, ठीक है। नीचे आपकी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। यहां तक आप क्लियर है। अब आती है मेन चीज कि आपको अपने घर का मेन डोर कहां देना है। मेन डोर देखिए ऐसा होना चाहिए जो पोर्च के लुक के भी एकदम सूट करे और आपके घर का वास्तु भी ठीक करे। तो आपका मेन डोर यहां पर लगेगा, ये आपका मेन डोर होगा जो कि आपके तीसरे चौथे पद पर आना चाहिए। अंदर आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपका मंदिर घर के अंदर, देखिए जिसकी कृपा से आपका घर बन रहा है उनका मंदिर होना जरूरी है। तो आपका यहां पर जहां पर आपको स्वास्तिक दिख रहा है यहां पर मंदिर, ये कौन सा स्थान है मित्रों, ईशान देव कोण है। कौन सा है, ईशान कोण है, देव का स्थान है। तो यहां पर आपका मंदिर बन जाएगा, ठीक है। एक विंडो आप इधर दे देना, लेकिन ध्यान रखे मंदिर यथा स्थान बनाना है आपको। काफी लोगों की शिकायत रहती है, सर पूजा पाठ करते हैं मगर घर में सुख शांति नहीं रहती। पहला तो आपका घर वास्तु अनुरूप होगा तो 100% सुख शांति रहेगी। दूसरा, आपको पूजा का फल तभी शीघ्र मिलता है जब आपका मंदिर सही स्थान पर है, तो वो दोष मत रखना, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, यहां पर आपका जहां पर ओम है ये आपके घर का ब्रह्म स्थान आएगा। कैसे आएगा, क्यों, अपना घर पूरा यहां तक बढ़ा हुआ है आगे, तो अगर आप पूरा जमीन देखोगे तो मिड का पॉइंट यहीं पर आएगा। क्लियर है आप, तो जहां पर ओम लिखा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे ही ओम नहीं लिखा है, ये ब्रह्म का स्थान है। तो यहां पर निर्माण नहीं होना चाहिए, खाली रहना चाहिए अगर आप चाहते सुख समृद्धि से जीना। क्लियर। इधर आएंगे, कौन सा कॉर्नर है, अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर किसका होता है, अग्नि कॉर्नर मित्रों अगर आपके घर में महिलाओं से संबंधित दिक्कत आपको नहीं चाहिए, आपके घर में सुख शांति चाहिए, तो अग्नि कॉर्नर में किचन बनाना चाहिए। किचन क्या होता है, अग्नि का स्थान होता है, ये अग्नि को मेंटेन रखेगा, क्योंकि ये कॉर्नर ही अग्नि का है, शुक्र का स्थान है। तो यहां पर अपना किचन आएगा, एक विंडो फ्रंट में रहेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। अब यहां पर आपकी सीढ़ी आ जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। सीढ़ियां देखिए क्लॉकवाइज ही बनानी चाहिए, एंटी क्लॉक सीढ़ी शुभ नहीं मानी जाती है। ध्यान रखो ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, एक समझदार व्यक्ति इन पॉइंटों को लेके चलता है, वो अपना घर का नक्शा वास्तुशास्त्री से बनवाता है। वो ऐसे नहीं कि किसी भी ऑटोकेट या किसी भी इंजीनियर से ऐसे ही बना लिया कि नहीं सर बना दो आपको भी वास्तु का, नहीं ऐसे नहीं होता। जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है आपके आसपास, कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री है उनसे बनवाओ। यहां पर देखिए एक आपको रूम मिलेगा, बड़ा सारा कमरा आएगा दक्षिण की तरफ। इधर आएंगे सामने कॉमन लेटरिंग बाथरूम आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसका वेंटिलेशन हो जाएगा। इधर आएंगे तो दो विंडो के साथ में एक शानदार बेडरूम आपको मिलेगा। कौन से कॉर्नर में, नर्तकी कॉर्नर। किसका स्थान है, नोट कर लो अभी, मुखिया का स्थान है। अगर आप चाहते हो आपके घर की कमांड आपके हाथ में रहे तो इस रूम में सोना शुरू कर दो, घर की कमांड आपके हाथ में रहेगी। इधर आएंगे एक कॉर्नर में वायव्य कॉर्नर के अंदर अटैच लेट बाथ के साथ में, ध्यान रखें अटैच लेट बाथ के साथ में, इतना प्यारा रूम आपको मिल रहा है। आपके गेस्ट भी यहां पर स्टे हो सकते हैं, अगर नए पति पत्नी हैं अगर इस रूम में रहते हैं प्रगाढ़ प्रेम बढ़ेगा उनके बीच में, क्योंकि ये जो जोन है ये प्रेम का ही जोन है मित्रों। तो यहां पर आप रह सकते हैं प्रॉपर। देखिए एक दो तीन कमरे, कॉमन लेट बाथ, अटैच लेट बाथ, बड़ा सारा शानदार हॉल मिल रहा है। हॉल से इधर जाने का दरवाजा भी है। यहां पर आपको एक पूजागर मिल रहा है। ये आप सोच रहे होंगे क्या बनाए, ये मित्रों काफी घरों में ये रहती है रिक्वायरमेंट कि हमारे घर में मेड आती है, बर्तन धोने के लिए हमें अलग स्पेस चाहिए, वॉशिंग एरिया ये दिया गया है।
तो इसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट ग्राउंड फ्लोर कोठीनुमा घर की कंप्लीट हुई। घर बनाइए, सुख समृद्धि से रहिए। हम चाहते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आप चाहते हो कंप्लीट वास्तु अनुरूप हमसे नक्शा बनवाना, पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है, आगे की एलिवेशन डिजाइन भी पूरी कंप्यूटराइज बहुत शानदार होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी प्रोफाइल के डेमो भी देख सकते हैं व्हाट्सएप पर। वहां पर आपको कैटलॉग दिखेंगे कि कैसी कैसी डिजाइनें बन सकती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।